वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो है एक गाड़ी के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास अक्सर गाड़ियां आती रहती हैं। पहले क्राउन आई थी, वो सेल हो गई, तो अभी ये दूसरी गाड़ी का व्लॉग है। तो आज हम मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, लेकिन ये एंटिक गाड़ी है तो प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे। बाकी आप गाड़ी का विज़िट करें और किसी भाई को अगर चाहिए हो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो गाड़ी है, ये GLI है, 2009 मॉडल, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है। अंदर बाहर से आप एक दफ़ा बाहर से गाड़ी की लुक देख रहे हैं। इस कंडीशन में गाड़ी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। टायरों की कंडीशन देख रहे हैं, और सबसे मज़े की बात कि गाड़ी के अंदर अभी तक अपनी सारी ओरिजिनल चीज़ें इंस्टॉल हैं। फुल फ्रेश गाड़ी है। अगर बात की जाए इसके पिलरों की तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इंटीरियर की तरफ बाद में चलते हैं, पहले आप गाड़ी की कंडीशन देख लें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा इसके लॉक से। और गाड़ी के दरवाजे का साउंड सुनो। गाड़ी टोटल फ्रेश कंडीशन में है। अभी मैं आपको इसकी पहले डिक्की दिखाता हूँ, फिर बोनट, और फिर हम गाड़ी को करेंगे एक सर्व देंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। गाड़ी का लॉक वहाँ ही है और बिल्कुल सही है। ये गाड़ी की कंडीशन है। अभी तक सीलें वही वाली हैं कंपनी की, ये गाड़ी की स्टेपनी है। गाड़ी टोटल अपनी कंडीशन में है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही गाड़ी कहीं पर लगी है। और मज़े की बात वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, और इस गाड़ी के प्राइस भी मैं आपको अप टू डेट करता रहूँगा। ये है इसका इंजन, इंजन पर थोड़ी मिट्टी जल गई है क्योंकि गाड़ी चल कर आई है रूट से। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं। अभी तक कंपनी के पेंट लगा हुआ है, मतलब कि ये इंजन खोला नहीं गया, एक दफ़ा भी ये इंजन नहीं खुला। और इंजन की कंडीशन और फ्यूल एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा है, 20 फ्यूल एवरेज दे जाती है लॉन्ग पर। गाड़ी सर्विस करके दिखाना, उसे साफ सुथरा करके दिखाना, वो एक चूना लगाने वाली बात होती है। गाड़ी की आप हुड देख लें, अंदर से कुशिंग देख लें सारी इंजन की जो है, एसी वगैरह इसका चल रहा है। गाड़ी में किसी किस्म का भी कोई काम नहीं होने वाला। अभी चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं हम। गाड़ी कोयटा सिटी में खड़ी है, जिस भाई ने लेनी है, अगर कोई बाहर से आएगा आउट ऑफ सिटी से, तो उसके लिए और कमी पेशी कर दी जाएगी। ये है गाड़ी का इंटीरियर।
अंदर से वुड इंटीरियर में है। गाड़ी की सीटों की भी कंडीशन फुल ओके है, आप देख सकते हैं। गाड़ी की छत, एवरीथिंग इज ओके। अब आपको एक सेल्फ मार के दिखाते हैं। चलो लेट्स गो। ये गाड़ी का सेल्फ है और अभी मैं आपको मजे की बात दिखाता हूँ जो मैं आपको शुरू से कह रहा था। ये देखो टोटल 108,220 किलोमीटर गाड़ी चली है और मैं अभी आपको एवरेज भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। ये देखें 25 किलोमीटर की एवरेज दे सकते हैं। बाकी ये गाड़ी का इंटीरियर और गाड़ी का एसी ऑन है। बाकी गाड़ी म्यूट मूड में रहती है। अगर जिस मेरे भाई ने गाड़ी को परचेज करना हो तो गाड़ी की जो प्राइस है वो प्राइस मैं अप टू डेट कर देता हूँ, आपको नंबर साथ लगा दूंगा ओनर का। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 21.5 लाख रुपए और इसमें कमी पेशी 10 से 20 हजार रुपए की है। बाकी आप मैं नंबर पे कॉल करके बाकी डिटेल्स आप ले लें गाड़ी ओनर के नेम में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।